तो अब हम बुलाते हैं सर, आप काफी खुश होंगे इनका टैलेंट सुन के, सीटी बजाना। सीटी बजाना इनका टैलेंट है और इनकी हाइट इनके नाम की तरह है। तारकेश्वर को मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर, सो प्लीज वेलकम तारकेश्वर। सबसे पहले उन लोगों जो एक से दो हो चुके हैं यहाँ पर टेक्निकल लाइफ के साथ में अपना पारिवारिक जीवन भी साथ चला रहे हैं, अर्थात गर्लफ्रेंड बना ली है, उन सबको आने वाले 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी जो मेरे जैसे अकेले रह गए हैं उनको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो कंफ्यूज आ गए हैं कि फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है उनको गणतंत्र दिवस की हार्दिक। माय नेम इज तारकेश्वर नारायण गौड़, आई एम फ्रॉम टेक्निकल ब्रांच एंड आई एम फ्रॉम जोगरो ऑफ राजस्थान, पूरे कॉलेज का सीटियाबाद। मुस्कुरा तो ऐसे रहे हो, मुस्कुरा तो ऐसे रहे हो जैसे चुरा लिया है किसी ने दिल को, इधर से ज्यादा तो उधर देख रहे हो। चलो इसी के साथ में आपके दिल का अंदाज बयां करता हूँ अपनी सीटी से। कोई नहीं करता, इतनी सी डब्बी में चावल का दाना, अरे इतनी सी डब्बी में चावल का दाना, बुड्ढी ने आंख मारी तो बुड्ढा भी दीवाना। क्या आपको इनकी गलियों की सैर करनी है तो मेरी सीटियों में कीजिए। लड़की को पटाऊं कैसे?
सिटी बस है, सिटी बस का कंडक्टर जो होता है वो देखो कैसे वो सवारी को बुलाता है। सबसे पहले तो गेट पे आके ऐसे खड़ा होगा, सामने गेट होगा और आवाज लगाएगा, रे आंटी कंगला रे भोला चंचन रे बाबू चंचन। ट्रेन में आप जाते तो होंगे, अरे ट्रेन में आप जाते तो होंगे, सुबह 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 की नींद किस आवाज से खुलती है आपकी? ये कहना ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक बटर उड़े दस का तीन बोलो भाई, तीन फ्लेवर में पेपर सॉप। थैंक यू सो मच। तू बोल रहे कमाल का परफॉर्मेंस दिया है तारकिशोर ने, प्लीज हैव अ राउंड ऑफ तारकिशोर प्लीज। यार तुझे फर्स्ट ईयर की याद दिला दी यार, कसम से तुझे फर्स्ट ईयर की याद दिला दी यार। राकेश्वर इससे पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूं। यस सर। आपको मैं एक स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहूंगा अपने तरफ से। टू गुड। थैंक यू सर। आई वाज नोवेयर जब आप बोल रहे थे, अभी आपके पहले मैंने किसी को बोला था, यस सर, ही टू रॉकस्टार। यस सर। ठीक है, आपने जो है ना कहीं रुकना मत और ये आपको रुकने नहीं देंगे। थैंक यू सर। इसके बारे में बता दूं, इसकी मैंने कोई कोई तैयारी नहीं की थी। आज सुबह 10 बजे तुम अब इमोशनल हो रहे हो सर, यही तो मेरी कमी है, इमोशनल होना। अच्छा, आपने क्या क्या पहन रखा है? मैंने पाँव में जूती पहन रखी है, ऊपर कोट पहन रखा है, स्काई ब्लू की टाई पहन रखी है, सफेद जैक का शर्ट पहन रखा है, जींस पहन रखी है। सर बहुत अच्छा सा टैलेंटेड है, बट एक बार मैं इससे एश्योर कर देता हूँ उसके बारे में, भाई तेरे से बल्दी नहीं पटने वाली है, इस टैलेंट से तो फिर बल्दी नहीं पटती। अगर ऐसा होता सर मेरे यहाँ सर लाइन लगी होती मेरे आगे पीछे सर। अच्छा एक सेकंड, अमितेश ऐसा क्यों, आप मुझे बताइए क्या एक्सपीरियंस आपका है? क्या मैं भी सर, मैं भी यही करता था सर, पहले 4 साल करता रहा, कोई समय करके बताइए फिर। सर चाय बेचने वाले थे, चाय चाय नाना पाटेकर समथिंग लाइक। एंड सर अगर बेवड़ा कोई बात करता है तो अरे मस्त रहो अपनी मस्ती में, न जाओ गैरों की बस्ती में, मस्त रहो अपनी मस्ती में, न जाओ गैरों की बस्ती में, अरे उस बस्ती की ऐसी की तैसी जहाँ कदर नहीं हमारी हस्ती की। अभी फाइनल ईयर में हो? यस सर, आ तो गया हूँ सर। फिर से एडमिशन हो जाएगा ऐसा? सर ऐसा ना बोलिए। अच्छा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बट अफसोस हो रहा है सर इसके लिए। आपको फर्स्ट ईयर में किसी ने कुछ ऐसा बोला था? सर बोला सर, मैंने 13 बार सर लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, बाद में लड़की ने खुद ब्लॉक किया। सर को मैं ये अश्योर कर दूं, लड़की को मैं पटाके रहूंगा, और तू लड़की से आपको कॉमेडी करते थे मैं तो सीटियां भी मारूंगा। अभी तो हम यहाँ पर। अच्छा कोई भी कुटका हमारे पास, कोई भी मौका दिया आपको, कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? अगर तू ऐसा रह जाएगा तो लड़की पटाने जाएगा, पर
पहले तो ना करेगी और मार के तू वापस मार खा के वापस आएगा। थोड़ा सा गलत हो गया, मैं ठीक था। अच्छा ये बताइए, अच्छा कहके ये बताओ, ये क्वेश्चन पूछ रहे थे धमका? बस 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 ठीक है, बस ठीक है। अच्छा कोई भी एक लड़की मुझे चाहिए, इधर आ जाइए कोई भी है। कमान यार, ये एनआईटी है, कमान कोई भी एक आइए। अच्छा एक काम कीजिए, स्टेज पे जाइए। बाप रे, मतलब जितने देर में चार स्टेप चल रही थी सबके आके यू यू नाच रही थी। इंजीनियरिंग कॉलेज है सर, क्या करोगे? आंख है, टेलीफोन थोड़ी ऐसा तो घुमाओगे सर। एक ही आंख है जो गूगल से भी तेज चलता है सर, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स का आंख है सर। ठीक है, अभी माइक इनको दीजिए जी। आपका नाम क्या है? कीर्ति गुप्ता। ईयर? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर, ठीक है, थोड़ा उससे अलग हो जाओ। हाँ अमितेश, ये ये आप भी अलग हो जाइए, आप इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आइए। हाँ इस तरफ, वेरी गुड, डन। आपका नाम कीर्ति, राइट? निधि। अभी टेस्ट क्यों कैंसिल हो, चलो इधर। सर इसने बोला सर। ओके निधि, एक सेकंड ना निधि, आप काफी देर से शो देख रहे हो, क्या चल रहा आप देख रहे हैं? इन तीनों को पहचानते हो? आप ये कॉलेज के हैं? यस सर। पाए जाते हैं कॉलेज में? यस सर। ठीक है, रेगुलर पाए जाते हैं? यस सर। ठीक है, अभी अमितेश एक सेकंड, अमितेश के बारे में कुछ बताइए मुझे। हाँ अच्छा ठीक है, एक सेकंड। नहीं निधि निधि, वो सब तो ठीक है, कुछ अच्छी बातें बताओ। अरे निकल जाएंगे, बताओ। से कभी नहीं जाना नहीं। हाँ तो अब जान लो। अच्छा एक सेकंड निधि, एक सेकंड। अच्छा निधि को बचाओगे आप लोग? फिर सेफ नहीं है, छोड़ दो। इतना कौन सा सीनियर है यहाँ पर? रैगिंग भी थी आपकी यहाँ पर? अच्छा ठीक है, एक सेकंड, बीच में कौन है? विकास झा सर। क्या नाम है उनका? विकास झा। अच्छा ठीक है, कुछ बताइए उनके बारे में, बोलो बोलो। इंटेलिजेंट है, स्वीट है, क्या कर रहे हैं आप? मिठाई का क्या है? कुछ बोलो, अच्छी बातें बताओ, ये तो सबको पता है। और पूछिए सर, और पूछिए। देखो मेरे बारे में सब पूछ लीजिए। इसको बोलते हैं मौसम का मिजाज। अच्छा अब तीसरे पे आइए, बताइए सर, थोड़ा कंटिन्यू करें दूसरा। हाँ ये फर्स्ट ईयर में, आप सेकंड ईयर में हो? ठीक है, उम्मीद है, बताओ। जूनियर्स की तारीफ नहीं करते? ऐसे क्या शास्त्रों में लिखा है? मैं नहीं करूंगा। अरे वाह, गुड इवनिंग मैम। क्या विदेश? अरे यार ये इंटेलिजेंट है, हम आठवीं फेल थोड़ी है। उनके बारे में ज्यादा सुना। अच्छा ठीक है, अब चलो ओवरऑल ओवरऑल हो गया फिनिश। अब मुझे हॉट का डेफिनेशन बताओ। इंजीनियरिंग के भाषा में मुझे हॉट का डेफिनेशन बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी, अरे ऐसा टाइम पास नहीं करते। और कुछ? अरे तो देख के
क्या मतलब जला हुआ है क्या? ऐसी फीलिंग आती है। दीदी आप नीचे आ जाओ। सर वैसे अपनी है आज के लिए, आ जाओ आराम से, देखना आराम से, आराम से, आराम से। सर वैसे टाइम की अभी कमी पड़ रही है क्योंकि 9 बजने वाले हैं, पर ऐसा चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं और सर बुलाइए। नहीं नहीं काफी है इतना। अच्छा लग रहा है सर? जन्नत में आ गए सर। क्या बताइए वाला, इतनी तारीफ तो सर स्कूल में हुई थी पिछली बार, सर कॉलेज में आके पहली बार नसीब हुई है सर, इसलिए कंटेस्टेंट को पीछे भगा दिया। अब सर नहीं भाई आ गया सर, कोने में छुपा है। आओ आओ भाई आओ। साकेश्वर, साकेश्वर तुम्हारा नाम किसने रखा है? सर दादाजी ने। हाँ इसलिए दादाजी वाला ही ना, इसीलिए सर 16वीं शताब्दी का इसका नाम है। दादी जी का नाम था? दादी जी का, दादाजी का, दादाजी का सत्यनारायण गौड़। और पापा का नाम? राजेश गौड़। राजेश गौड़। रेस्पेक्ट दिल से की जाती है, शब्दों में बयां नहीं की जाती है। तुम गए, तुम गए काम से, निशाने पे आ गए हो, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि तोप के गोले पे फिट हो जाना, समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे जो हॉस्टल में सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले रहते हैं, सीनियर भी रहते हैं? नहीं सर, ओनली फर्स्ट ईयर। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट ईयर सीनियर नहीं है ना कोई भी? हॉस्टल से सीनियर कॉलेज में तो है, कहाँ कहाँ बचोगे? लगी हुई थी। हर सीनियर बुरा नहीं होता और हर सीनियर है, ये सब ऐसा सब सुनने में अच्छा लगता है, समझे आपको? चलो ठीक है, जाओ आप। थैंक यू सर। और कुछ बोलना चाहोगे अपनी सफाई में? अभी भी मौका है। मिस्टर एंड मिसेस, इसके लिए मैं जिशान मैम, जिशान मैम यहाँ पे है ही नहीं, सो मैं एसके मंडल खुशीद सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अवार्ड दें। मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर ईव का अवार्ड मिलता है तारकेश्वर को।